शिरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल के सेवानिवृत्त उपाधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह को सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। स्थानीय चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने श्री सिंह को फूल माला, शॉल, बुके एवं गिफ्ट भेंट कर अपने प्रेम का इजहार किया। अस्पताल परिसर में आयोजित भव्य समारोह में डॉक्टर आरपी सिंह बारी बारी से आने वाले लोगों के साथ मिलते रहे। कभी मुस्कुराते तो कभी भावुक भी हो जाते। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह की पत्नी भी शामिल रहीं। आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों एवं चिकित्सा पदाधिकारियों ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने पिछले 36 वर्षों में स्वास्थ्य विभाग में निष्ठापूर्वक सेवा दी है और 18 वर्षों से शिरघाटी में अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ के अस्पताल के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा। इनके कार्यकाल और इनके साथ किए गए कार्यों को याद करते हुए सहकर्मियों ने कहा कि डॉक्टर आरपी सिंह सर हमेशा जिम्मेदारी और धैर्य के साथ लोगों को साथ लेकर चलते रहे हैं। हम लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला है। चिकित्सकों का यह भी कहना था कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू का कार्यकाल प्रशंसनीय रहा है। इन्होंने मैन टू मैन रिलेशनशिप डेवलप किया और अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर काम करते हुए अस्पताल को ऊंचाई तक पहुंचाया है। वक्ताओं ने इनके आने वाले जीवन के लिए मंगल कामना की और इनके परिवार और इनके लिए स्वस्थ, प्रसन्नता और सुख शांति के साथ जीवन गुजारने की कामना की। इस मौके पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद, डॉक्टर उदय कुमार, डॉक्टर एहतशामुल हक, प्रोफेसर डॉक्टर शिवेंद्र कुमार, डॉक्टर चौधरी राजनंदन प्रसाद, राजेश कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर साकिब सुल्तान, डॉक्टर विद्या ज्योति, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर ईला माधवी, डॉक्टर माधुरी, इंडियन गैस के संचालक चुन्नू गुप्ता, शिरघाटी सब जेल उपाधीक्षक आशीष रंजन, मथुरा सिंह, रजनीश सिंह आदि दर्जनों लोग शामिल हुए। समारोह में खान पान के अलावे आयोजकों द्वारा गीत संगीत का भी कार्यक्रम रखा गया था, जिसका देर शाम तक लोग आनंद उठाते रहे। इमरान अली, बिहार आजकल। 37 साल नौकरी करने के बाद जो लगाव उत्पन्न हो जाता है और जीवन का एक ऐसा ही क्षण है जो वर्णन नहीं कर पाएंगे। एक परिवार, पूरे परिवार से, एक संस्थान से जुदाई का पल। वरिष्ठ चिकित्सक और अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का आज सेवानिवृत्ति दिवस है। एक काफ़ी लंबे समय तक इस अस्पताल में उन्होंने सेवा दी और हम लोग के साथ उनका संबंध काफ़ी अच्छा रहा। बहुत ही अनुशासन ढंग से इस अस्पताल को उन्होंने चलाया। उनका अस्पतालीय कार्य एक लंबे समय तक हम लोग को कार्य की ओर हमेशा मोड़े रहा और उन्हीं के सहयोग से ये अस्पताल इतने अच्छे ढंग से इस ऊंचाई तक आ सका और हम उनके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। उनके पूरे परिवार के लिए शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद, पूर्व निदेशक प्रमुख, इस इलाके का रहने वाला हूं और इनका सेवा और डॉक्टर राजेंद्र और जो आज रिटायर कर रहे हैं उनका मंगल कामना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, परिवार के साथ सुख रहें। और उन्होंने जिस माहौल में और जिस तरह से अस्पताल को चलाया वो प्रशंसनीय है और उन्होंने मैन टू मैन रिलेशन डेवलप किया अपने वरिष्ठ के साथ, अपने कनिये के साथ, अपने सहयोगियों के साथ। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान उनके सुख शांति दिलाए। हमारे माननीय उपाधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह पिछले 36 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग की सेवा उन्होंने पूरी निष्ठापूर्वक की और पिछले 18 सालों से वह शिरघाटी में पदस्थापित हैं। आज उनका सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा किया गया। उनके नेतृत्व में यहाँ मैंने 7 साल पहले ज्वाइन किया था, तब से लेकर आज तक उनके नेतृत्व में बहुत कुछ सीखने को मिला और एज ए गार्जियन उन्होंने बहुत मदद किया और मेरा ही नहीं, साथ ही साथ अस्पताल के सभी, चाहे वो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हो या तृतीय वर्गीय कर्मचारी हो, सभी के पीठ पर वो खड़े रहे, सभी के कठिन समय में उन्होंने मदद किया।